खूबसूरती है, कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त बन जाए किसी को पता नहीं चलता। आज लालू यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से एक साथ खड़े हैं और लालू जी ने मान लिया कि आने वाले बिहार चुनावों में दरअसल मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। इसी पर आज हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे हैं। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, ये कहीं ना कहीं एक असहजता भी है क्या, क्योंकि भाई आप लोग सुशासन का दावा करते रहे नीतीश कुमार के तहत में, आज जिस लालू यादव पर जंगल राज का आप लोग आरोप मढ़ते थे उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, यही वजह है क्या कि नीतीश कुमार पहले राहुल गांधी से भी अलग से गुफ्तगू कर लेते हैं तमाम ऐलान के पहले? स्मिता जी, मैं अपेक्षा करूंगा कि मुझे अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर देंगे। जी देखिए, ये बार बार एक कोशिश है लालू प्रसाद जी के नाम से जंगल राज को जोड़ करके इस पूरी बहस को एक खास दिशा में मोड़ देना। ये कभी कहते थे गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन अगर हो गया तो इसके नेता के चयन की प्रक्रिया पर ये सवाल उठाते थे। अब इन सारे सवालों का जवाब मिल गया तो फिर से जंगल राज के सवाल पर चले गए। देखिए, देश ने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को तय किया और देश गोडसे के समर्थन करने वालों को भी झेल रहा है। इनकी पार्टी के सांसद गालियां दे रहे हैं धर्मनिरपेक्षता को और गोडसे की महिमा के महिमा मंडन में लग गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो राम को नहीं मानने वाले हैं उनको किस तरह की गालियां भारत सरकार के एक मंत्री ने दी वो भी देश ने देखा है। इनके सांसदों ने बार बार इस देश की जनभावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो पार्टी में बने हुए हैं, संसद में बने हुए हैं, संसदीय दल में बने हुए हैं। और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, इस सवाल पर केवल इनके भाषण है। बिहार को जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राशि मिलनी थी उसमें बड़ी कटौती हो गई। जो 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं उससे बिहार को भारी नुकसान हो रहा है। तो आप बिहार के बीच बिहार में जब आप जाएंगे इन सवालों पर भी जनता पूछेगी कि काला धन के 15 लाख रुपए हर अकाउंट में कहां चले गए, लोगों के रोजगार के आपने वायदे किए, बदले में आप नफरत परोस रहे हैं, बेईमानी परोस रहे हैं। और भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग ये जरूर पहले बता दें कि येदुरप्पा से लेकर के तमाम उन दागियों के लिए इनकी पार्टी में क्या क्या निर्णय इनकी पार्टी ने लिया और उनका किस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया और भविष्य में इन सवालों पर गौर करेंगे बिहार चुनाव में, क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर ही आगे बढ़ेंगे या आप लोगों में भी वो कोई ना कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एक सामने उभर रहा है जिसे आगे से प्रोजेक्ट कर पाएंगे? देखिए स्मिता जी, बिहार की जनता हमसे क्या पूछेगी उसका जवाब तो हम जरूर देंगे, मगर बिहार की जनता नीतीश कुमार जी से ये जरूर पूछेगी कि आप तो स्पेशल स्टेटस की बात करते थे बिहार की, जिन्होंने 10 वर्षों तक नहीं दिया, आप उनके साथ बैठ के आम और लीची दिल्ली में क्यों, उस राहुल गांधी क्यों नहीं दे देते हैं? संबित पात्रा जी, सवाल नहीं पूछे ये देखिए, ये बौखलाहट, ये बौखलाहट ठीक नहीं है, ये बौखलाहट ठीक नहीं है। क्यों है आप नीतीश जी को गलती से 2 को 250 करोड़ रुपए दे दिए, देखिए 28 रुपए आपने नहीं दिए। जेडीयू को बोलिए कि बौखलाहट में बीच में बोलना बंद करें, मुझे पता है कि बहुत चिंता में लगातार आपके भाषण को नीतीश जी तो कभी एनडीए का भी हिस्सा हुआ करते थे, जनता दल यूनाइटेड के लिए कहा था, जनता दल यूनाइटेड का नाम आपने कहा था कि घूमते रह जाओगे। हो गया आपका, हो गया ठीक, उसके अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं, दिल्ली में आपकी पूरी तरह से पराजय। राजीव जी जरा 1 मिनट थोड़ा बस एक समय की बात पूरी कर ले, मुझे दूसरे पैनलिस्ट को भी जोड़ना है। इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं, आपको बंगाल की जनता ने नकार दिया, अभी क्या स्थानीय किताब किताब पढ़ रहे हैं, आप भी किताब किताब पढ़िए, आप क्यों पकड़ करके बैठे। राजीव जी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने अपनी बात रखी, संबित अपनी बात झट से पूरी करें प्लीज। देखिए आप विचारधाराओं की लड़ाई है या कुर्सी की लड़ाई है, जो जेडीयू एंटी कांग्रेसिज्म के प्लैंक पे फॉर्म हुआ था आज उसी के साथ गलबहियां डाल के नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, वही राहुल गांधी और वही सोनिया गांधी आज इनको भारत के मुक्तिदाता के रूप में नजर आ रहे हैं, उनके करप्शन को इन्होंने एक झटके में भुला दिया। आप देखिए जिनके लिए ये जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते थे वही लालू प्रसाद इनके बड़े भाई बने हुए हैं, जिनके तारणहार गांधी परिवार और लालू प्रसाद यादव बने हुए हैं उनसे बिहार की जनता क्या सवाल पूछेगी, क्या वो सोच पा रहे हैं? ये सवाल में रामानंद जी के करप्शन, ये रामानंद जी ये जो दोस्ती आप लोगों की अभी दिखा रही है, अगर सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनती है क्या ये दोस्ती बनी रहेगी? हिंसा हुई
उसके बाद इन्होंने देश में नरेंद्र मोदी जी को पार्टी का चेहरा बनाया। राजीव जी, गुजरात नहीं, गुजरात ऐसा नहीं कि मैंडेट से आपके पास छिप जाएगी। राजीव जी, जब गुजरात कांग्रेस के नाम पर नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी थे, वो भूल जाएगी जनता, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बिहार ने जो कुछ भी किया उसके बाद आप पे चेहरा बनाया। राजीव जी, से बात करेंगे बिहार के बारे में, आप लोगों से अनुरोध कर रही हूं, जरा एक मिनट एक एक करके जरा बात करें तो सबकी बात समझ में आएगी। यदुरप्पा से फिर आपने हाथ मिला लिया। रामानंद जी, जरा जब से बताइए कि सीटों के शेयरिंग को लेकर अगर बिहार के बारे में आपकी क्या राय है, बताइए। अरे बिहार के बारे में बात करिए, यदुरप्पा जी के पास चले गए। रामानंद जी, आपको बहुत चौधराहट का भ्रम हो गया है। दो सांसदों की पार्टी आपकी थी, आप लगातार हर पैनल बहस में बिहार बिहार की बात करते हैं, बिहार में आप सिमटने जा रहे हैं। चलिए, क्यों नहीं, हम लोग दो सांसदों की पार्टी है, हमारी दो सांसदों की पार्टी थी। राजीव जी, राजीव जी, संबित जी, आप बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लगातार पैनल भी मनीषा जी, आप इस विधेयक की बात सुन रही हैं, क्या बोलूंगा मैं मनीषा जी, आप दूसरी देश की नागरिक नहीं है। बिहार आज की तारीख में अभी भी क्या आप चुनाव से लड़े जाएंगे तो विकास झंडे फहराने लड़े जाएंगे या हर दूसरे क्षेत्र का मुद्दा अहम होगा जिसे लेकर ये जनता परिवार आगे बढ़ रहा है। मनीषा जी, आप पीडीपी को बाप बेटी की पार्टी बोलते थे, आपने वहाँ हाथ मिला लिया, पाकिस्तानी झंडे लगा रहे, आपकी कोई काइंडली कोई मुझे प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ऑडियो जो है लो कर दे राजीव जी का। मनीषा जी प्लीज बताएं, पाकिस्तान डे के दिन आप आपके मंत्री वहाँ शामिल होते हैं एम्बेसी में और किस तरह की बात करते हैं? नहीं, अब तो अब देखिए, ये बिहार में दंगल होने वाला है ये आपको दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी तय होगा वो बताएं मनीषा जी, वो ये, हाँ, सब जो एक बड़ा सवाल ये तय होने वाला है, और वो एडवांटेज बीजेपी है कि कहीं ना कहीं क्या बिहार की जनता लालू यादव को उनके विकास, राज्य में विकास को थामने के लिए दोषी समझती है या नहीं समझती है। अगर वो ऐसा समझती है तो नीतीश के लिए वो डिसएडवांटेज साबित होगा, और कहीं ना कहीं समाजवादी धड़ा जो है वो मुसलमानों का जो बीजेपी विरोध है उसको एक वोट बैंक मानते हुए और एक तरह से प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स का इसमें आभास तो आता ही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या समाजवादियों का ये बिल्कुल अंत समय जब आया, लोकसभा में साथ नहीं थे, अंत समय जब आया तब साथ हो लिए, जो 22 दशक से लगभग जो विरोधी रहे नीतीश और लालू वो भी साथ आ गए, नीतीश के नाम पर भी हामी भर दी, क्या बिहार का मतदाता ये समझता है कि वो इस तरह के प्रैग्मेटिक अलायंस जो केवल मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द किया जा रहा है उसको क्या वो अपना मत डालेगा? मनीषा जी, और या वो समझता है कि नीतीश कुमार अलायंस कास्ट इक्वेशन पर हो, नीतीश कुमार को आगे रखकर शायद एक विकास का मंत्र भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हकीकत को समझ रहा है कि गठबंधन की जहां बिल्कुल बिहार जैसे राज्य में विकास भी चाहिए, कास्ट नीतीश कुमार चाहिए, बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार विकास तब कर पाए जब लालू से उन्होंने अपना गठबंधन छोड़ा, और एक तरह से चाहे लालू जी के पार्टी के जो प्रवक्ता हो वो जो भी कहें, जंगल राज को माने न माने, लेकिन इतना तो आंकड़े बतलाते हैं कि बिहार भारत का सब सहारन अफ्रीका था, जो कि सोशल जस्टिस के नाम पे जिस राज्य में लालू जी और उनकी पत्नी का राज्य चला, वहां के अति पिछड़े और शेड्यूल कास्ट अगर देखा जाए तो बायसी और पूर्णिया जैसे जगह में भी 16-17% साक्षरता दर वहां था। तो एक पिछड़ापन तब दूर हुआ जब नीतीश ने लालू जी से अपना पल्ला झाड़ लिया। ये गठबंधन अगर आज की तारीख में वापस है, रामानंद जी, ये गठबंधन क्या उस वक्त भी जारी रहेगा अगर आप लोगों को अपने मन मुताबिक जो है सीट नहीं मिले, क्योंकि सीटों को लेकर भी जो है अभी बात नहीं बनी है। देखिए ना अस्मिता जी, हम लोगों ने कहा है ना कि इन बयानवीरों से ये जो नीति विहीन लोग हैं, ये जो कह रहे हैं कि साहब नीतीश जी का हमारे साथ आना बहुत बड़ा जुल्म हो गया, आज ये भूल रहे हैं कि हम एक ही सेम कैरेक्टर वाले स्कूल से निकले हुए, जहां हमारा वो स्कूल ऑफ थॉट एक है, नीतीश जी का इनके साथ जाना ही गुना था। ये देश चलाने वाले लोग देश के ये अछूत थे, नीतीश जी ने इनको छूत बनाया और कहते हैं कि है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, कभी गैर कांग्रेसवाद की बात हमारे पुरखों ने करी थी, राजनीतिक पुरखों ने, लेकिन आज इस देश की समस्या बीजेपी है, गैर बीजेपी वाद है, और इस गैर बीजेपी वाद के तहत हम समाजवादी लोग, हम जनता परिवार के लोग मिले हैं, और जब जब मिले हैं देश का नजीर बदला है, राजनीति बदला है। रामानंद जी, क्या सही में आज गैर बीजेपी वाद के मंच पर आगे आने से आप लोग बिहार के चुनाव में सक्षम रूप से लड़ पाएंगे? जी, नीतीश कुमार को आगे लेने का एक
बड़ा वजह यह भी है कि भाई जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसको लेकर भी मारपीट जरूर मचेगी। देखिए जिस तरह से समित जी भी जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस भी साथ आ गई, आरजेडी भी साथ आ गई नीतीश के, ये सबसे 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो माइनॉरिटीज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से बीजेपी के लोग साक्षी महाराज एंड कंपनी और जितने सारे लोग बाकायदा मंदिर वाला फिर से मुद्दा इस तरह से गरमाया है, तो कैसे ध्रुवीकरण हो उसमें बीजेपी को अपना फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और यही मजबूरी है कि मुलायम, लालू और नीतीश साथ आए हैं ताकि अल्पसंख्यक वोट कहीं बटे नहीं, मैंने एक तरह से उनके साथ जाए और उससे निर्णायक हो। 115-125 सीटों में यदि 50 सीटों से फर्क पड़ता है तो बहुत निर्णायक फैसला अल्पसंख्यक कर सकते हैं। ये एक मजबूरी है जिसे नीतीश को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन मनीषा जी, नीतीश जी जो इतने लंबे वक्त है कि एनडीए के साथ भी हाथ मिलाए हुए थे, वो बात की आप अल्पसंख्यक भूल चुके हैं? देखिए अल्पसंख्यक तो एक बात है, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा धड़ा जो है वो दलित महादलित का है। तो नीतीश जी ने एक तरह से इस पूरे वर्ग में, दलित महादलित में विभाजन की राजनीति करके मुस्लिम, दलित और ओबीसी के कॉम्बिनेशन पर अपना राज जो है कायम किया था। तो जो धड़ा है नीतीश और लालू और मुलायम सबके साथ आने का, उसमें आप देखिए कि दलित वोट बैंक जो है वो माइनस है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है, जब नीतीश, लालू और कांग्रेस साथ आते हैं तो मुसलमान जरूर साथ आते हैं, लेकिन जो ओबीसी वोट बैंक है उसका एक हिस्सा साथ जाता है, एक हिस्सा भाजपा के पास है, और दलित वोट बैंक पर बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है। तो कांटे की टक्कर ये होने वाली है। कोई भी आपके पास भले ही आरजेडी जेडीयू दोनों के, अब चुन के आप एक ले आइए स्पोक्स पर्सन, अलायंस अगर हो गया है तो दो स्पोक्स पर्सन ले आएंगी, तो कोई भी टॉक जो है उसमें फिर उन्हीं की हम सुनते रहेंगे। ये दलील उनका देना कि एक बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस हो गया है, जब तक दलित उसमें नहीं है, रामविलास पासवान वहां नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा वहां नहीं है, जीतन राम मांझी एक तरह से जो पैक में जोकर बन गए, तो ये एक तरह से समित, यही वजह है क्या कि मांझी के साथ आप लोगों की गुफ्तगू चल रही है? ऑब्जेक्शन लेती हूँ मैं आपके बात पर, कड़ा ऑब्जेक्शन लेती हूँ, क्योंकि आपको चिल्लाना है। मनीषा जी, रामानुज जी, आप दोनों चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा बोलूंगी, एक मिनट मनीषा जी, आप दोनों थोड़ा शांत हो जाए, आक्षेप उठाएंगे आप दोनों थोड़ा शांत, अगर आक्षेप उठाएंगे तो मैं उंगली उठाऊंगी। मनीषा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ थोड़ा शांत हो जाए, बिल्कुल आखिरी सवाल, आखिरी सवाल ये पूछना है, सबमिट सर्टिफिकेट नहीं है, आप आक्षेप उठाएंगे मनीषा जी, मैं उंगली उठाऊंगी, आपके टिकट या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से जो शुरू में कहा था वही अंत में कहूंगा कि एक घटक ऐसा है जो उन तमाम नेताओं को साथ लेकर, जिन नेताओं का एक तरह से भविष्य अंधकार में है, जिनका भविष्य ढलान की ओर जा रहा है, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, आपके पास मोदी जी कौन सा नेता है जिनका हाई रेस में जो नजर आ रहे हैं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, दूसरे नेता ढलान पर है मान लिया चलिए, आपके कौन से नेता है जो मुख्यमंत्री बनने के लायक है जो हाई राइज पर आपको शायद नजर आ रहे हो इस वक्त? नहीं, इंतजार करिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, हम आपको जरूर बताएंगे कि किन लोगों के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। जैसा तो मैंने कहा, मोदी जी के विकास का जो नहीं होगा, जो दूरदर्शिता है, तो परेशानी अगर ऐलान हो जाए तब परेशान आप हैं, और महत्वपूर्ण है कि रोकना है या बढ़ाना है, ये हिंदुस्तान की जनता का सवाल उठाते हैं। आलोक जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि कहीं दिल्ली जैसा हाल ना हो जाए मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर बिहार में, उसका नया नाम तो नहीं आ जाए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि अगर बहस में जो है तल्खियां थोड़ी सी कम हो जाए तो लोग एक दूसरे को ज्यादा हम सुन पाएंगे।